सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम मिले हैं एक मज़ेदार टॉपिक के ऊपर, एक हल्के फुल्के टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, बात है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और ये जो शो है जो पिछले आई थिंक 14-15 साल से चल रहा है, 2008 में शायद शुरू हुआ था और तब से ये शो चल रहा है। तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये वीडियो देख रहा है जिसने ये शो नहीं देखा हो। मैं खुद इस शो को जो है एपिसोड 1 से देखता आ रहा हूँ, और मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि जब इसका फर्स्ट एपिसोड जब आया था, इसके पहले जो ये सब टीवी पे स्टार्ट हुआ था, तो इसके पहले शायद कोई और शो आता था या किसी और चैनल पे मैं कोई और शो देखता था 8:30 बजे का, तो वो ख़त्म हुआ और ऐसे ही मैं चैनल चेंज कर रहा था। तो मैंने देखा कि ये ऐसे ही कुछ, तो इसका फर्स्ट जो एपिसोड था वो आई थिंक कोर्ट रूम ड्रामा था, जिसमें जेठालाल के ऊपर कुछ ये सोसाइटी वाले इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वो एपिसोड जो है ऐसे ही मैंने चैनल चेंज करते हुए देखा था और मुझे अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने फिर वो, नॉर्मली वो डिनर का टाइम होता है एंड मोस्टली 90% लोग तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है ये शो जो है वो खाना खाते टाइम ही देखते थे, क्योंकि नॉर्मली या तो लोग खाना खाने बैठ रहे होते हैं, या खाना खा के उठ रहे होते हैं, या खाना खाने वाले होते हैं। तो नॉर्मली सबका रूटीन ऐसा बन गया था कि खाना खाते टाइम हम लोग जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे। ये शो जो है एक कल्ट क्लासिक बन गया, क्योंकि इसका जो हर एक एपिसोड होता था वो इतना फनी होता था और इतना रिलेटेबल होता था कि आप मतलब बिना हंसे तो रह ही नहीं सकते थे। और इस शो ने जो लोगों को लगातार इतने सालों तक हंसाया है, ये रियली कमेंडेबल है। और इसकी जो कास्ट है, जो मतलब हर किसी को हर एक कैरेक्टर से वो कास्ट का मतलब वो कास्ट याद है, तो वो भी उनका जो काम है वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। और मतलब एक तरह से हम लोग जो ये 10-12-14-15 साल से हम लोग जो इसको देखते आ रहे हैं, तो एक एक जो है हमारा डे टू डे रूटीन का हमारा एक हिस्सा हो गया है। हम बहुत सारे इंक्लूडिंग मी, हम लोग आज भी जो है खाना खाते टाइम जो है अपने लैपटॉप में या अपने टैबलेट में या अपने फ़ोन पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पुराने एपिसोड्स लगाते हैं और हम लोग खाना खाते हैं। तो वो आदत जो है वो बनी हुई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी ऐसा करते हैं या नहीं। तो मैं जो है आज ही मैं खाना खाते टाइम में इसका जो रीसेंट एपिसोड है वो देख रहा था, जिसमें पोपटलाल का नाम चेंज करने का अभी कुछ चल रहा है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है। एंड अभी तो आई डोंट नो, मतलब इन लोगों ने कभी पोपटलाल की एज जो है डिस्क्लोज़ किया नहीं है, बट कितने साल हो गए जब पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, और अब फाइनली उसको किसी ने जो भिड़े के जो रिलेटिव हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि तुम अपना नाम बदलो, तो वो उन्होंने स्टोरी चालू की है। तो जो रिसेंटली एक्चुअली जब से लॉकडाउन के बाद से जो इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ है, आई थिंक लॉकडाउन से पहले इसके जो डायरेक्टर्स थे या राइटर्स थे वो लोग अलग थे, और लॉकडाउन के बाद की जो टीम है वो इन लोगों की शायद डायरेक्टर भी चेंज हुए हैं और राइटर्स भी चेंज हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद से जो इनके एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही, एक तो एजुकेशनल इन्होंने चालू कर दिया कोविड को लेके, शुरू के जब स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स थे वो कोविड को लेके कुछ ज़्यादा ही, मतलब कॉमेडी तो आप छोड़ दीजिए, पूरा ज्ञान ही ज्ञान होता था। और जब से जो दया बहन का जो कैरेक्टर कर रही है दिशा जी, जब से उन्होंने शो छोड़ा है तब से इनके पास मतलब एक तरह से देखा गया कि स्टोरीज़ इनके पास है ही नहीं। जो एक स्टोरी ये लोग कहीं से ढूंढ के लाते हैं या जो इनके राइटर्स वगैरह चेंज हुए हैं, तो मतलब कुछ भी इन लोगों के पास स्टोरीज़ वैसे बेसिक्स है नहीं। जो एक्चुअल जो तारक मेहता जी थे, जिनकी जो जिनके वर्क पे इन्होंने ये सीरियल खड़ा किया है, वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, और शायद उनकी सारी स्टोरीज जो उन्होंने लिखी थी वो सारी ये लोग अपने एपिसोड्स में डाल चुके हैं।
तो अब इनके जो राइटर्स हैं और इनके भी राइटर्स जो जिन्होंने भी कुछ अच्छे अच्छे मतलब एपिसोड बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन फिर शायद इनकी राइटर्स की टीम भी चेंज हो गई और डायरेक्टर्स की टीम भी चेंज हो गई। तो अब जो इनके राइटर्स को स्टोरीज नहीं मिलती हैं, और जैसे आप देख रहे हैं कि हर एक जो जो भी एक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो धीरे धीरे शो को छोड़ के जाने लगे। पहले दिशा जी गई, फिर शैलेश लोढ़ा जी गए, फिर उसके बाद अंजलि जो जो अंजलि का कैरेक्टर प्ले करती थी वो गई, सोडी बीच में एक दो बार चेंज हुए हैं, सोनू का जो कैरेक्टर प्ले करती वो तीन दो दो बार चेंज हुई हैं, फिर उसके बाद टप्पू चेंज हो गया दो बार, और ऐसे ही मतलब रीता रिपोर्टर के तो पता ही नहीं है। तो इनके जो कास्ट वगैरह जो जो है वो लोग गायब हो गए। नटू काका एक्सपायर हो गए, जो घनश्याम जी जो कैरेक्टर प्ले करते थे, अब जो नए नटू काका आए हैं। तो ऐसे जो कास्ट जो चेंज हुई है, और उसके बाद स्टोरीज इनके पास होते नहीं थे, तो इन लोगों ने जो एक स्टोरी अगर इनको मिलती भी है तो अब ये लोग क्या करते हैं कि एक स्टोरी को वो खींच के लंबा पूरा एक हफ्ते तक वो पूरे एपिसोड्स वो बनाते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे जैसे यूट्यूब पे, मैं नॉर्मली यूट्यूब पे देखता हूँ, तो सोनी लिव का जो 10 मिनट का जो क्लिप आता है, आप भी मेरे ख्याल से आप लोग भी वही देखते होंगे जिन लोगों के पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। तो मोस्टली हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग 10 मिनट का वो क्लिप देखते हैं, और 10 मिनट के क्लिप में हमको वो एपिसोड का वो पूरा पता चल जाता है कि क्या है। तो आप देखेंगे वो 10 मिनट के क्लिप में ही ये लोग पूरा जो 10 मिनट है, या तो वो एक ही बात को पूरा खींच खींच के वो पूरे 10 मिनट निकाल देते हैं, या फिर वो मतलब एक ही टॉपिक को पूरे पूरे एपिसोड में वो पूरा खींचते हैं, और हर एक का एक्सप्रेशन देना, हर एक का मतलब वो बात एक्सप्लेन करना, उसी चीज़ में ये पूरा एपिसोड निकाल देते हैं। तो ऐसे हर एक स्टोरी को ये लोग एक एक दो दो हफ्ते तक खींचते हैं, और बाद में आउटकम क्या निकलता है, आउटकम वही निकलता है जो ऑडियंस पहले से ही गैस कर चुकी होती है। जैसे पोपटलाल का जो एक एपिसोड आया था जिसमें भिड़े की रिलेटिव जो गांव जाके पोपटलाल उससे शादी की बात करता है, फिर उसके मामा जो है वो आते हैं और पोपटलाल छिप जाता है, तो छिपने के एपिसोड के इन्होंने तीन चार एपिसोड इन पोपटलाल का छिपना ही दिखाया था कि वो कहीं इसके घर छुप रहा है, कहीं उसके घर छुप रहा है, और एंड हम सबको पता था कि मामा उसका जो है वो बोलेगा कि हमारा इंटरकास्ट हम अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर हमने पोपटलाल की बातें हमको बहुत अच्छी लगी और हमने जो है, और शादी होनी नहीं है उसकी पोपटलाल की, शादी तो होगी किसी और से, क्योंकि ऑलरेडी वो पता है कि वो पोपटलाल की शादी कर देंगे, तो उनके पास जो एक टॉपिक है कि पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, वो पोपटलाल का जो मतलब एक स्टोरी लाइन है वही ख़त्म हो जाएगी। पोपटलाल का फिर कुछ स्टोरी में मतलब तारक मेहता में कुछ रोल ही नहीं रहेगा, तो इसलिए वो पोपटलाल की शादी करवा नहीं रहे। और ये हर बार मतलब ऐसा, और बीच में जब दिशा जो दया बहन है उनके आने का इन लोगों ने बार बार ऐसा बोला कि इस बार आएंगी इस बार आएंगी, तो ये लोग कैसे स्टोरी बताते थे कि सुंदर प्रॉमिस करता है कि सुंदर लेके आएगा, और फिर वो पता नहीं क्या, एक एपिसोड मैंने ऐसे देखा था मतलब कि इस बार तो पक्का दया बहन आ ही जाएगी। एक बार उन्होंने बताया कि 10 लेडीज़ को वो लेके आता है, बोलता है कि आप पहचानो, नहीं तो आप पहचानोगे तभी दया बहन आएगी, नहीं तो वापस लेके जाएंगे, ऐसा कोई सेंस है इस बात तो वो बहुत ही क्रिंज वर्दी था, और मतलब इतना इरिटेट हो जाता है इंसान कि आप जिस शो को आप 10-12 साल से देख रहे हो और फिर इन लोगों के पास स्टोरी नहीं होती तो ये लोग खींचने लगते हैं, वो इतना इरिटेटिंग लगता है। मतलब कॉमेडी तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो रेगुलर व्यूअर है, जो ऑडियंस है तारक मेहता के उल्टा चश्मा की, जो शुरू से वो शो देखते आ रहे हैं, वो लोग को भी इतना इरिटेटिंग होता है। मतलब मैं खुद तारक मेहता को शुरू से देखता आ रहा हूँ, मेरे को इतना इरिटेटिंग होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार बस इनको कुछ सुना दो। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी से आगे कहानी बढ़ती नहीं है तुम्हारी। तो वो हो गया, फिर इसका जेठालाल का जो शो का जो शॉप का इनॉग्रेशन था तो उसमें दया बहन का कटआउट लिया है। मतलब कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, दया बहन के कैरेक्टर को नहीं लाना था तो इन लोगों ने, मतलब आप लॉजिक देखिए, किसी की वाइफ 5 साल से गायब है और उसका शो में कोई अता पता ही नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। पिछली बार जब दिवाली पे इन लोगों ने ऐसा बताया कि जेठालाल प्रतिज्ञा करता है कि अगर दया दिवाली से पहले नहीं आई तो मैं
आमरण अनशन ऐसा कुछ तो करूँगा। वो एपिसोड मैंने उसके बाद मैंने शायद सर्च किया, शायद मिला नहीं मुझे, या मुझे पता नहीं कि उस स्टोरी का एंड क्या हुआ। आमरण अनशन तो कहीं दूर तक, मतलब दिवाली को अब गए हुए 6-7 महीने, अब अगली दिवाली आने वाली है, लेकिन इन लोगों ने उस स्टोरी का एंड क्या किया वो मुझे यूट्यूब पर कहीं मिला नहीं। मैंने ढूंढा भी उसका कि, तो मुझे वो क्लिप मिली नहीं। अगर आपको, आपने वो एपिसोड देखा था, आप मुझे बताना कि वो आमरण अनशन का क्या हुआ था, इन लोगों ने वो स्टोरी कैसे एंड की थी। तो इनकी जो स्टोरीज होते हैं ना वो अब इलॉजिकल एंड करते हैं और खींच तान के पूरा है ना इरिटेटिंग कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अब इनको ये तो ऐसा करना चाहिए कि ये तो ये पुराने राइटर्स लेके आएँ या फिर नई एक टीम बनाएं और वापस से जो इनका जो हेल्दी ह्यूमर था और जो सार्कज़्म था इनका वो वापस से आना चाहिए, नहीं तो ये शो जो है वो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक एक जो है ना कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है पुराने जो फ़नी एपिसोड्स है वो ही देखते हैं। नए एपिसोड्स में आप देखेंगे जैसे ये एपिसोड जो है जिसमें टप्पू का जो है जूनियर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, MK गांधी कॉलेज में। आपको, मेरे ख्याल से आपको याद होगा जो MK IIM खरे वाला जो एपिसोड था जिसमें जेठालाल तिकड़म करके और फिर वो हृदय परिवर्तन करवा के टप्पू का एडमिशन करा था MK गांधी कॉलेज में। तो ये एपिसोड की आप डेट देखिए, ये एपिसोड जो है 2015 का है, ठीक है, जुलाई 2015 का है। अब इस एपिसोड में टप्पू का एडमिशन जो है जूनियर कॉलेज में हुआ है, 2 साल मान लीजिए कि जूनियर कॉलेज के हो गए, ठीक है, 2015 से 2017, 2017 से अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, कितने 6 साल हो गए। 6 साल में मतलब ऐसी कौन सी डिग्री है कि इन लोगों ने, इन लोगों की पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हो रही और ये लोग कर क्या रहे हैं अभी। मतलब इस चीज़ पे इन लोगों के क्वेश्चन उठे कि लोगों ने बोला कि भाई आप कंटिन्यूटी कैसे दिखा रहे हैं कि मतलब इतने साल हो गए अभी तक टप्पू सेना पढ़ाई ही कर रही है। तो इन्होंने ऐसा दिखाया। अब जब टप्पू का जो कैरेक्टर था जो राज आनंदगत था उसने जब शो छोड़ा तो इन्होंने रीज़न क्या दिया कि वो हायर स्टडी के लिए दिया है। तो भाई जो टप्पू सेना सारे काम एक साथ करती, हायर स्टडी के लिए सिर्फ टप्पू ही क्यों गया, बाकी सब क्या घर पर बैठे मतलब फालतू टाइम पास ही कर रहे थे। हाँ, सोनू गोगी गोली ये सब लोग हायर स्टडीज़ के लिए नहीं गए, सिर्फ टप्पू को भेजा इन्होंने, है ना। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। और इन्होंने अब टप्पू वापस आ गया फिर उन्होंने बोला कि अब क्या करें, अब तो उसकी हायर स्टडीज़ भी बता दी। अब भाई छः साल की तुमने कौन सी डिग्री करी, क्या किया पता नहीं। सबने एक ही डिग्री करी, जबकि किसी ने शायद जो गोली है उसने साइंस लिया था तो उसकी डिग्री 5 साल की होनी चाहिए थी, या MBBS वगैरह जो भी किया होगा उसने, या इन सब की डिग्री अलग अलग होनी चाहिए थी। किसी ने, सोनू ने आर्ट्स लिया था शायद, तो उसका BCOM वगैरह जो उसने किया होगा वो 3 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है। अभी भी इनकी पढ़ाई चल रही है, अभी भी ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी ये लोग बच्चे हैं, और आगे इनके फ्यूचर के लिए क्या, तो इन्होंने क्या बताया कि ये लोग गेम डिज़ाइन कर रहे हैं और कुछ तो वो तारक मेहता के फ़नी गेम्स वगैरह बच्चों जैसा, मतलब वो एपिसोड बताया था जिसमें असित मोदी खुद ही चीफ गेस्ट था, मतलब खुद ही अपनी तारीफ करवा रहा है और खुद ही अपने आप को चीफ गेस्ट बता रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो ये जो इनके लॉजिक्स है और ये जो इनके एपिसोड से बिल्कुल फ़नी नहीं है, मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि यार क्यों इरिटेट कर रहे हो, इससे तो अच्छा है कि मैं तो फिर क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्टोरी देखता हूँ और मेरे को लगता है कि यार ये फ़नी नहीं है तो मैं तो पुराने एपिसोड ही देखता हूँ। आज भी मैं खाना खाते टाइम जो है पोपटलाल वाला एपिसोड देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोपटलाल का वो नाम चेंज करने वाला जो एपिसोड है उसमें भी लास्ट में वो बोलेंगे कि यार नाम वाम चेंज मत करो, पोपटलाल ही रहने दो, कुछ नहीं होगा, शादी तो वैसे भी हो ही जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब इससे अच्छा फिर मैंने पुराने एपिसोड लगा लिए। पुराने एपिसोड्स जो हैं वो बहुत फ़नी है और वो आप देखते तो आज भी आपको हंसी आती है। तो वही एक जो इनोसेंस है और जिस सिंसियरिटी से ये लोग वो एपिसोड्स बनाते थे, वो एपिसोड्स जो है वो आज भी आपको गुदगुदाते हैं। तो मेकर से हम तो एज एन ऑडियंस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये तो देखो आप पुराने राइटर्स या पुराना जो आपका ह्यूमर है वो वापस लाइए,
नहीं तो ये इरिटेट करना आप बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है वो बंद हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे ही आप अभी के जो एपिसोड्स है क्या आप उनको पसंद करते हैं? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग शो छोड़ के गए हैं उन लोगों ने कुछ एलिगेशंस भी लगाए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जो शुरू से ये शो देखते आ रहे हैं, एक एक तरह से हम लोगों को भी एक शॉक लगा कि ऐसा भी होता है सीन्स के पीछे। तो जिन लोगों ने भी ये जो एलिगेशंस लगाए हैं वो पुराने कास्ट हैं और शुरू से इस शो के साथ बने हुए, जैसे शैलेश जी हैं उन्होंने पेमेंट रिलेटेड कुछ लगाए थे, फिर जेनिफर जो हैं जिन्होंने रोशन का कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए, और अभी जो बावरी का जो कैरेक्टर प्ले करती हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें सामने लाई हैं, रीता रिपोर्टर जो हैं उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। तो ये सब चीज़ें, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर जांच होनी चाहिए या क्या सच है क्या नहीं है वो तो खैर वो टीम और एक्टर्स ही जानते हैं, लेकिन एक तरह से हम लोगों को भी एक शौक लगा कि अरे ऐसा भी होता है, जो जो शो हम लोगों को हंसाता है उसके पीछे इतना, मतलब एक्टर्स के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। अब क्या सच है क्या सच नहीं है उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते जब तक एक्चुअल में ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो जो भी है, बट आप मेरे ख्याल से तो पुराने एपिसोड्स ही ज़्यादा फनी हैं, और अभी तो मुझे इन ये जो एपिसोड्स को ये लोग खींचते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में, और आपको क्या लगता है, आप क्या आप भी मेरी तरह पुराने एपिसोड्स के दीवाने हैं या फिर आपको नए एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं? तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।